कमर टाइम लिख के दा ये पत्नी का विषय है, समझ ही रहे हो तुम लोग बस। जी जी हाँ। तो बस पति पत्नी का विषय है, पत्नी के कमर में दर्द है तो बोल रही है कि भाई दोबारा दर्द नहीं दोगे होना चाहिए लिख के दो। फैन हमारे फैन पागल है यार, हमें प्यार करने वाले समझ लो कि हमारे ही तरह, जिस तरह मैं बिंदास हूँ उसी तरह हमें प्यार करने वाले लोग बिंदास हैं। काफी दिनों के बाद देखे हो, ये डेली आती है मेरे साथ, तो क्या चाहते हो 24 घंटा हम एक साथ ही रहे? आपका बड़ा भाई मानते हैं आप? आज मानते हैं। उसका टीम का एक लड़का लापता हो गया भैया। लापता हो गया? जी भैया, मुंबई स्टेशन पे बैनर लग रहा है और फिर जंक्शन पे बैनर लग रहा है, उस पर क्या बोलिए? कोई बात नहीं, छोड़िए, लापता हो गया, उसके मामी पापा का हमारे काम का खोज अब देव बुलाई तो हम ही जानते हैं। सकता है खेसारी लाल यादव जी का आज सॉन्ग प्रमोशन है और आज खेसारी लाल जी पटना में है, सिटी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे आगे का बढ़ जाइए, सबको ही बढ़ जाइए, फटाफट एक आदमी सवाल ले ताकि आप लोग जल्दी निपट जाए। खेसारी भैया गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। क्या गाना का बारे में सुनते नहीं, गाने के बारे में पूछते हो? कमर डैमेज एक अलग प्रकार का गाना है, क्या बोलिएगा इस गाने के बारे में? जिस तरह का इंतजार था, जिस तरह से बैक टू बैक गाने करते हैं, जिस तरह से काम से अपना जवाब देते हैं, मजा आता गाना देखकर, क्या कहना चाहिए? बस एक्चुअली देखिए वो सिचुएशन था, समय था जो मैं बहुत एक्चुअली मुझे रोक ठीक है लेकिन अब आप सबको हर दो चार दिन पे एक गाना फिल्म सारी चीजें आप लोगों को मिलेगा और मेरी प्रयास क्योंकि मैं थकता नहीं जीवन में, मैं चाहता हूँ कि मुझे 24 घंटा वर्क मिले और मैं करता रहा और लेकिन मैं रुक गया था, रीजन सबको पता है भैया। ग्लोबल से फिर नहीं ना कुछ लफड़ा होगा भैया? अरे भाई जीवन बात लफड़ा तो होखबे करी, गाड़ी रोड पर चली तो इन सटिए ना जाइए, तो जीवन है तो जीवन में कहीं ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है और कभी भी आपको परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो समझिए कि कोई बड़ी प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए आती है। भैया अही रेजिमेंट फिल्म कब आ रहा है भैया? बहुत जल्दी आएगा, उस पर काम चल रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से, क्योंकि उसको शूट हम लोग को ठंडा में करना है क्योंकि हमें बर्फ बर्फ सब कुछ चाहिए। पवन सिंह आपका बड़ा भाई मानते हैं आप? आज मानते हैं। उसका टीम का एक लड़का लापता हो गया है भैया। लापता हो गया? जी भैया, मुंबई स्टेशन पे बैनर लग रहा है और फिर जंक्शन पे बैनर लग रहा है, उस पर क्या बोलिए? कोई बात नहीं, छोड़िए, लापता हो गया, उसके मामी पापा का हमारे काम का खोज अब देव बुलाई तो हम ही जानते हैं। काफी दिनों के नीचे के साथ नजर आ रहे हैं, काफी दिनों के मिलन गिल जी के साथ मेरा तीसरा गाना अभी एक रिलीज नहीं हुआ, एक वेब का भी है जो रिलीज नहीं हुआ है और पहला गाना मेरा हमारे सुनील के कंपनी से हुई थी और ये दूसरा गाना जो कि अयोध्या से हुआ है और तीसरा गाना वेब से, तो सबसे पहले शूटिंग वही हुआ था लेकिन रिलीज ये हो गए, बट कोई नहीं। और नीलम गिरी अद्भुत एक्ट्रेस हैं, कमाल का नेचर है इनका और कमाल की अदाकारा हैं ये, और व्यवहार में मुझे लगता है कि इनकी एक्टिंग और डांस से बेहतर इनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार है जो कि सबके दिलों पर राज करती हैं ये, और सबका एक सपना होता है, हर कलाकार का सपना होता है कि एक बेहतर एक्ट्रेस के साथ काम करे, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी दुनिया का आदमी है, हर आदमी पूरा तरह क्लियर नहीं है, पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, हमें हमारे अंदर भी कमी है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें है जो कि उसको कभी को पूरा करने के लिए कभी हम इनसे सीखते हैं कभी हमसे सीखते हैं, तो जो इन्हें नहीं आता वो हम बताते हैं, जो हमें नहीं आता इनसे सीख लेते हैं, तो हर आदमी को कहीं ना कहीं सीखना चाहिए और हम सबको सीखते सीखते ही जीवन को चलाना चाहिए। खेसारी लाल यादव का जो पुराने के अंदाज में नहीं, एक्चुअली कमर डैमेज ही था इसलिए हमने कमर डैमेज ही रख लिया, उस दिन इनके कमर में दर्द था तो इसलिए हमने बोला कि भाई कमर डैमेज ही रख देते हैं। खेसारी भैया आपके सुपुत्र जो है वो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एंट्री करने वाले हैं, क्या कहेंगे भाई उसको? हम इतना परेशान हो गए हैं इसी लाइन में कि रोज कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है,
मेरा बेटा ढंग से नहीं जी पाएगा, वो सुख में पला है, मैं दुख में पला हूँ तो मुझे पता है कितना कष्ट होता है, बट मेरा बेटा सुख में पला है, इसको इसमें डाल दूंगा परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप काफी दिनों के बाद आए, ऐसा क्यों इतना लेट ही हुआ? काफी दिनों के बाद देखे हो, ये डेली आती है। नहीं नहीं, आपके साथ मेरे साथ तो क्या चाहते हो, 24 घंटा हम एक साथ ही रहे? अभी हम बहुत जल्दी फिल्म भी करने वाले हैं नीलम जी के साथ और ये मेरे साथ, और हम भोजपुरी के लिए काम करने वाले हैं। अगला होगा ना, सिनेमा हॉल अधूरा इसलिए नजर आ रहा है कि एक ही तो है जो बेहतर काम करता है। नहीं ऐसा नहीं है, सिनेमा हॉल सब सब लोग कर रहे हैं और कोशिश है कि सिनेमा थिएटर खुले, थिएटर खुलेगी तो शायद हमारा ज्यादा उन्नति होगा, और 400-500 थिएटर जो है बंद पड़ी है। तो बस सरकार से और आप सबसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ आप लोग हैं वहाँ वहाँ का थिएटर खुलवाइए, ताकि हम बेहतर सिनेमा करके और आप सबके बीच में डालें, ताकि हमारा भोजपुरी भी बढ़ा। बिहार में फिल्म होने चाहिए दिनों से पेंडिंग था, लेकिन अंदाज का पोस्टर लग गया है, क्या कहिएगा दुर्गा पूजा पे किस तरीके का? देखिए कोई भी फिल्म आएगी तो मेरी ही होगी और भोजपुरी की होगी, मेरी नहीं बल्कि भोजपुरी समाज की होती है। हम तो भोजपुरी समाज के लिए काम करते हैं, खुद के लिए कुछ किए ही नहीं आज तक जीवन में, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बेहतर तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट करें, बेहतर तरीके से अपने भाषा को प्रेजेंट करें, अपने लोगों के बीच में बेहतर चीजें जाए। अपने फैंस पे भैया कितना भरोसा है, क्योंकि ये गाना भी फैन हमारे फैन पागल है यार, हमें प्यार करने वाले समझ लो कि हमारे ही तरह, जिस तरह मैं बिंदास हूँ उसी तरह हमें प्यार करने वाले लोग बिंदास हैं। ये गाने की बोल आपके जुबान से कुछ हो जाए, इस गाने का बोल आपके जुबान से, गाने का बोल दो लाइन के साथ जबरदस्त तरीके से। आपका प्यार है सारे भाई, पीछे पीछे दो लाइन भैया, दो लाइन दो लाइन लाइन भैया तुम्हारी टाइम लिख के दा। पत्नी का विषय है, समझ ही रहे हो तुम लोग, बस जी जी जी। तो बस पति पत्नी का विषय है, पत्नी के कमर में दर्द है तो बोल रही है कि भाई दोबारा दर्द नहीं दोगे होना चाहिए, लिख के दो दर्द। साहिल लाल यादव जी पुराने अंदाज में फिर से अब सारे गाने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरे हम पुराना कब हुए पुराना अंदाज, हम नए ही है नहीं रहेंगे, इसके पुराना खेसारी नहीं हो सकता है, संगीत पुराना नहीं होता। आज भी हमारे जीवन में भरत शर्मा जी जिंदा है और भरत शर्मा जी पुराने नहीं हुए, गाना छोड़ना अलग विषय हो गया, बट कलाकार कभी पुराना नहीं होता है, नहीं गा पाते हैं इसलिए हम पुराने हो जाते हैं। उम्र से कलाकारी को मत तौलो, उम्र अलग विषय हो गया कलाकारी, अभी तो मैं 24 साल का हूँ भैया, देख रहे हो अभी कुछ नमोज पकाना भैया। आपको मैं देखो आप अभी मैं लखनऊ में किया, पटना में इसलिए करता हूँ, हर जगह इसलिए करता हूँ कि ताकि आप लोगों से हर जगह के लोगों से मैं मिल सकूँ। भैया आपका फैन मघी में भी है, मघी में है, इसके बाद नवादा कर लेंगे। मगही में सॉन्ग कब तक देखने को मिलेगा भैया? मगही में सॉन्ग अब सब भाई गा रहा है, लोग कहेंगे कि देखो हम लोग को बिजनेस में कहीं ना कहीं, नहीं भैया हम लोग छोटा भाई मर गा रहे हैं और उन लोगों को लगे। अच्छा पीके रोज करेला ड्रामा उसका न्यू वर्जन बोले थे आने वाला है, जल्दी आएगा वो लड़की भी आई है, प्रिया सर क्या नाम है, प्रिया सुहानी भी आई है, उसके साथ गाना करना है मुझे और वही गाना करेंगे। स्टार को लेकर क्या कहना चाहिए भैया, भोजपुरी छोड़ हिंदी में गाना गाने लगे? 420 बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगी, बस उसका दो गाने बचे हैं मेरे,
जो कि हम लोगों के यहाँ शूटिंग करना था उसको बाहर शूट करना था, यानी कहीं बढ़िया जगह पे स्पेस पे भैया। इसीलिए हम लोग तीन गाने छोड़ दिया और तीन गाने शूट करके उसके बाद तुरंत बहुत जल्दी भोजपुरी छोड़ हिंदी को प्रमोट करने लगे हैं बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, क्या कहना चाहिएगा भाई? हिंदी आप भोजपुरी देखो, बात ये बात जो हम भोजपुरी के आदमी हैं, अब भोजपुरी में कम लोग बजा, हम हिंदी में जाएं। एकदम राइट। गाना अलग विषय हो गया कि अगर हमें उस लायक हिंदी के लोग समझ रहे हैं तो प्ले बैक सिंगिंग करना तो सब लोग करते हैं भैया, और जिसके पास हुनर है वो बिल्कुल करना चाहिए। वायरल हुआ था गुरु रंधावा जी के साथ में, क्या लगता है कुछ स्पेशल होने वाला है? अच्छे बताओ भाई, गुरु रंधावा भोजपुरी गाएंगे तो हमारे भोजपुरी का नहीं भैया, मैं अगर पंजाबी गाऊंगा तो भोजपुरी का भला नहीं होने वाला। भोजपुरी में कल ला के रख दीजिएगा, कोई ना कोई मैं कोशिश यही करूंगा जो कोई ना कोई आदमी जैसे बादशाह हमारे भोजपुरी